बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चिकन स्टेक बर्गर बनाए, ये तवे के ऊपर स्लाइसेस भुनने रख दिए। पब्लिक खा चुकी मेरे, मैं बना चुका, लेकिन मेरा ख्याल हुआ कि आपको भी दिखा दूं और इसकी भी रेसिपी आपको बता दूंगा। तो ये स्टेक जो है, जब आप तलेंगे फुल शरो और तेल में, ज़्यादा तेल नहीं हो, तो उसको देखने का तरीका ये है, उसको देखने का तरीका ये है कि ये पक गए या नहीं पक गए। मैं चूल्हा बंद कर दूँ वरना ये थोड़ा ज़्यादा लाल हो जाएंगे। तो तरीका ये है कि आप इसको दबा के देखें, अगर इस तरह चुट-चुट की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा बहुत अभी ये कच्चा बाकी है, इसको पलटेंगे और स्टेक को फिर हम निकाल देंगे। ये तकरीबन पक चुका है, इसका कलर बता रहा है ये पक गया है। तो मैं इसको पलट दूँ, ये पलट दिया, ये पक गया है। अब इसमें कोई पानी बाकी नहीं है, इसका मतलब ये पक गया है। अब इसके वो मैंने अपनी चीज़ें तैयार कर ली है, आखिरी बर्गर मेरा है खुद का। मेरा बर्गर जल ना जाए आपको दिखाने के लिए, मैं इसको निकाल देता हूँ, इस स्टेक को निकाल देता हूँ। ये स्टेक कैसे बनाया है मैं आपको बताऊँगा, ये बिल्कुल सादा है। अच्छा, मैंने क्या किया, वो जो आपको स्लाइसेस मैंने तवे पर रखे थे, वो सेकने के बाद उसके एक तरफ मायनीज लगा दिया और दूसरी तरफ लिक्विड चीज़ लगा दिया पहले, और उसके ऊपर टमाटर रखे और केचप डाल दिया और उसके ऊपर ये मैंने स्टेक रख दिया। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मैंने स्टेक रख दिया, इसके ऊपर मज़ीद केचप अगर चाहिए तो डलेगा, इस पर सलाद चाहिए तो सलाद डलेगा, और मज़ीद केचप डल गया। और डलने के बाद इसको हम अपने बर्गर के ऊपर वाले बन को लगा देंगे और ये ज़बरदस्त बन गया। खाने में भी टेस्टी है और देखने में भी ज़बरदस्त है, ये बन चुका। मैंने जो मायनीज इस्तेमाल की थी, मार्केट की मायनीज थी, बाहर की थी, वो ये गुड्डी की मायनीज मैंने इस्तेमाल की थी, एक तरफ लगाई, और लिक्विड चीज़ मैंने क्राफ्ट की, क्राफ्ट नहीं, ये अलमराई की है, लिक्विड चीज़ इस्तेमाल की, और केचप जो है और हॉट सॉस जो है वो राना का हॉट सॉस इस्तेमाल किया, और सॉस ऊपर भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, ताकि उसकी टेस्ट जुबान पे लगे। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का बर्गर बन गया। असल में दिखाना नहीं था, लेकिन मेरे ये तकलीफ हो रही थी कि मैंने आपको क्यों नहीं दिखाया। इसमें एक काम बाकी है, स्लाइस चीज़ रखना, वो भी मैं रख देता हूँ।